हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्ट्राइड्स फार्मा की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। साथ में कंपनी की ओर से 1.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स में। मिलियंस में नंबर्स दिए गए। इनकम है 1013 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 891 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 952 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 972 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 867 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 934 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी यहां पे इंक्रीज किया। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया 41 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 23.8 करोड़ और मार्च 22 क्वार्टर में 18 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे अगर देखिए तो यहाँ पे कंपनी को इस बार जो है एक्सेप्शनल आइटम्स में लॉस हुआ है 7 करोड़ का, लेकिन पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का गेन हुआ था। और इसके कारण प्रॉफिट में इस बार थोड़ा सा गिरावट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, जो कि इस बार का देखा जाए तो यहाँ पे गाइस कंपनी का प्रॉफिट जो है सो गिरावट आया, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे जो इसके जो जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स है उनके साथ कंपनी को लॉसेस हुआ है, जो कि लगभग 40 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ का लॉसेस हुआ था। मार्च 22 क्वार्टर में 43 करोड़ का लॉसेस हुआ, जिसके कारण कंपनी का लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि लॉसेस क्या रिकवर कर रही है या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें, 13.7 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ का लॉसेस था और मार्च 22 क्वार्टर में 28.9 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लॉसेस रिकवर किया, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखिए तो एवरेज, क्योंकि कंपनी का लॉसेस इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ईपीएस कंपनी का निकल के आया 1.06 रुपीज़ का निगेटिव में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर किया, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें कंपनी का स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट, तो गाइस कंपनी यहाँ पे देखिएगा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो फार्माक्यूटिकल बिजनेस और बायो फार्माक्यूटिकल बिजनेस इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा, जो कि रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ हो रहा, बट यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स में लॉसेस होना, ये उसके कारण जैसे कंपनी का लॉसेस इस पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। अगर हम लोग स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को देखें तो मिलियंस में नंबर्स है। इनकम 589 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 416 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 540 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 509 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 398 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 483 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी का यहाँ पे डाउन होने का रीजन का इस डेफर्ड टैक्स, जो कि यहाँ पे कंपनी को टैक्स जो है करंट टैक्स जो है सो बेनिफिट हुआ है 158 करोड़ का, इसी कारण से प्रॉफिट में तेजी आई थी। मार्च 22 क्वार्टर में प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ था, इस बार प्रॉफिट्स में गिरावट आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, चाहे स्टैंडअलोन या कंसोलिडेटेड, लेकिन इनकम में तेजी देखने को मिल रहा है। ईपीएस 6.91 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है। तो यहाँ पे इस कंपनी का रिजल्ट अगर देखिए तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।